पापा, आपका आगमन होके 11 दिन हो चुके हैं। ये बात कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब आप हमारे घर में आए थे तब हमारा घर लोगों से भरा हुआ रहता था। मतलब कहा जाए तो माझा पोटात आनंद मावता मावत नव्हता। पापा, जब हम तेरे लिए आरती गाया करते या तेरी प्रार्थना करते थे, वहाँ सभी लोग तेरी आरती के लिए उपस्थित रहते थे। वहाँ सभी लोग हमें लिपसिंग करते हुए दिखते, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ गिने चुने लोगों की आवाज़ आती थी और बाकी लोग तो अपने ताल और घंटिया बजा बजा के तेरी आरती गाया करते थे। हाँ पता है मुझे, मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। तुम सभी लोग आरती के बहाने वहाँ आते थे और मेरे रखे हुए मोदक और लड्डू पे तुम्हारा ध्यान होता था। तुम्हारा भी ध्यान हो क्यों नहीं, क्योंकि वो भी चीजें मेरे प्राण से प्यारी है मुझे। पप्पा, तू इतने दिन हमारे साथ था, अगर हमसे कोई भी गलती हुई रहेगी तो उसके लिए हमें माफ कर देना। तुम कर रहे हो इतना मेरे लिए, यही काफी है बस। अगर हुई रहेगी कोई गलती तो मैं कर दूंगा तुमको माफ। पप्पा, जाते जाते एक काम कर दो, ये कोरोना का विघ्न साथ लेकर जाओ और कहीं जाकर खत्म कर दो। हाँ लेकर गया होता, पर तुम्ही लोगों के किए हुए गलतियों का ये प्रायश्चित है। तो चिंता मत करो, सही समय आने पर ये विघ्न भी खुद टल जाएगा। बप्पा, आखिर में जाते जाते यही कहूंगा, गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी गणपति गेले गावाला। बस मैं अगले बरस फिर से आऊंगा। जैसे एक भक्त को अपने भगवान की जरूरत है, वैसे ही इस भगवान को अपने सारे भक्तों की जरूरत है। तो ठीक है। अरे तू तो रो दिया रे, मैं आऊंगा अगले बरस। मेरे भी तो मस्त त्याजा ठिकाणी तेरे सद्गुरु पाय दोनी अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र ते नाथ तो ज्ञान राजा सुपात्र दया कविता महापुण्य राशि नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वर।